दिस इज़ द लव दैट यू नो दे हैव फॉर अस टू दिस डे. भले ही मेरा 1010 साल पहले आया हो, बट आज तक अगर वो मानवी के नाम से भी जानते हैं, सो इट जस्ट फील्स दैट यू हैव डन समथिंग. सो वहाँ जाके मुझे समझ आया. एंड फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं. मैंने कभी कैमरा भी फेस नहीं किया था. फर्स्ट टाइम गया, सर ने मुझे बताया ये है रोल है, ये स्टोरी है, ये है. हमने बस शुरू कर दिया. सो कमल से मैं पहले कभी लाइफ में नहीं मिली थी. इट्स जस्ट मैं कमल सर से मिली थी एंड ही अश्योर्ड मी कि एक स्टोरी ऐसी ही है जिसमें लड़का बहुत ऐसा दिखेगा और हाई फैमिली वाली लड़की होगी. अखियाँ दा घर का मतलब बताएंगे सबसे पहले हमारे कमल सर. अखियाँ दा घर मतलब ये है कि एक इंसान ने अपनी आँखों में सपने सजाए, ठीक है. बस वही एक सपने देखा उसने, वो अलग बात. देखिए, अगर आप डेस्टिनेशन की बात करें तो उसने तो अपना प्यार पा लिया, लड़की ने उसको एक्सेप्ट किया. वो एक उसकी डेस्टिनी है कि दंगों में वो उसकी जान चली गई, तो उसने अपनी आँखों में घर बना ही लिया, अपनी मोहब्बत तो उसने पाई ली. ये सिंपल एक मतलब है उसका अखियाँ दा घर का. तो गांव के लोग भले ही थे, इट वॉज अ गांव कॉल्ड वलोड. वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे थे, दे वर वेरी प्योर. और ये मुलाकातें ऐसे हमारी रोज़ नहीं होती हैं बिकॉज वी लिव इन सिटीज़, और बेयरली मैं ऐसे सेटअप्स में जाती हूँ शूट करने बिकॉज हमारे हमेशा सेट्स होते हैं या ये होते हैं. सो शूटिंग इन एन ऑथेंटिक लोकेशन वॉज वेरी रेयर फॉर मी. एंड व्हेन आई वेंट देयर, मुझे उस दिन जाके पता लगा कि हम जो टीवी शोज़ करते हैं ये ऑडियंस हमने आज तक पाई हैं. दिस इज़ द लव दैट यू नो दे हैव फॉर अस टू दिस डे. भले ही मेरा 1010 साल पहले आया हो, बट आज तक अगर वो मानवी के नाम से भी जानते हैं, सो इट जस्ट फील्स दैट यू हैव डन समथिंग. सो वहाँ जाके मुझे समझ आया. एंड बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, दे जस्ट आज दीदी एक फ़ोटो, निया दीदी एक फ़ोटो. तो मेरे ना वो मेरे दिल और दिमाग में वो चीज़ें बस गई, यू नो दे देयर प्योरिटी, देयर इनोसेंस, दे वर वेरी लवली. एंड इट वॉज मैंने आई एम ग्लैड दैट आई शॉट फॉर दिस. मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और मेरे को अगर दोबारा मौका मिलेगा मैं वापस उस गाँव में जाऊँगी एंड आई मीट ऑल ऑफ दोज किड्स अगैन. बिकॉज शूट के टाइम पर ना मैं बहुत बिजी थी, मैं नहीं मिल पाई उन सबको. निया जी के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला. फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं. मैंने कभी कैमरा भी फेस नहीं किया था. फर्स्ट टाइम गया, सर ने मुझे बताया ये है रोल है, ये स्टोरी है, ये है. हमने बस शुरू कर दिया. और कहते हैं ना, सामने वाला जब सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छा, तो जाहिर सी बात है बहुत मतलब अच्छा ऑटोमेटिकली निकलता ही अपने से भी है, अपने से भी अच्छा ही हो जाता है. सो बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा निया के साथ, तो मैं शायद अपने ज़िंदगी में कभी ना भूल पाऊँ. सो कमल से मैं पहले कभी लाइफ में नहीं मिली थी. इट्स जस्ट मैं कमल सर से मिली थी एंड ही अश्योर्ड मी कि एक स्टोरी ऐसी ही है जिसमें लड़का बहुत ऐसा दिखेगा और हाई फैमिली वाली लड़की होगी. तो बस मैं उसी बिलीव पे वहाँ गई. सो जब मैं फर्स्ट टाइम इसको मिली, आई डेंट थिंक ही वॉज एन एक्टर ऑल्सो. तो जब ये शॉर्ट दे रहा था तो आई रियलाइज कि ओके ही इज़ परफॉर्मिंग. बट देन आई डेंट हैव मच इनिबिशंस, बट लेटर ऑन आई सी ही वॉज वेरी नर्वस और वो थोड़ा शिवर कर रहा था हर शॉर्ट से पहले. एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट कम्स, इट हैपन्स टू समबडी हुज़ वेरी न्यू टू द फील्ड एंड हुज़ ट्राइंग टू मेक हिज मार्क. सो आई जस्ट हैड टू मेक हिम कम्फर्टेबल, टेल हिम फ्यू थिंग्स. कमल सर हेल्प हिम अलॉट एंड आई थिंक ही वॉज अ गुड लर्नर, ही वॉज लिसनिंग, ही वॉज cooperative and we could shoot. So yeah, is a good student I would say. Thank you. बोला मैंने हाँ, मतलब इसका प्रपोजल था, उसको मैंने चांटा मारा उस सॉन्ग में. सो मुझे एक मैसेज आया कि मैं मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं सो रहा था एंड आई सडनली लुक्ड एट द वीडियो, चांटा पड़ा तो मैं उठ गया. सो यू नो इट वाज जस्ट दिस काइंड ऑफ फनी थिंग्स यू नो. एंड शूटिंग इन वलोड दैट सॉन्ग और उसकी पूरी स्टोरी लाइन, आई इन्जॉयड शूटिंग. और उसमें होली सीक्वेंस था बिना होली के, तो मुझे वो शूट करने में भी बहुत मज़ा आया. एवरीथिंग वॉज जस्ट नाइस.